हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं स्कूल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो कक्षा पहली से लेकर आठवीं में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी सभी जानते हैं कि कोरोना काल में पिछले 1-1.5 साल से स्कूल बंद होने की वजह से आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे। इसके वजह से आप लोगों का जो हर माह का खाद्यान्न मतलब कि आप लोगों को कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को जो भी खाद्यान्न दिया जाता था, ठीक है, स्कूल में जो भी खाना मिलता था, उसके हिसाब से आप लोगों को सूखा राशन दे दिया गया था। लगभग सभी स्कूलों में माहवार सूखा राशन दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बात माहवार सूखा राशन की नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो ग्रीष्मकाल अवकाश लगा था, मतलब कि जो आप लोगों की छुट्टी हुई थी, ठीक है, छुट्टी में आप लोगों का ना ही सूखा राशन दिया गया था और ना ही उसका कुछ भी आया हुआ था। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें क्या बताया गया है, मैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। जो भी कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के सरकारी में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो पैसा है वो आप लोगों को खाते में आने वाला है। जो भी आप लोगों की ग्रीष्मकाल की कुकिंग राशि थी, ग्रीष्मकाल अवकाश की कुकिंग राशि छात्र या पालक के खाते में, मतलब कि जो भी आप लोगों के पेरेंट्स हैं उनके या जो छात्र हैं जो अपना पासबुक का प्रिंट जमा किए थे स्कूल में, वो ग्रीष्मकाल का जो कुकिंग की राशि थी, जो खाद्यान्न की राशि थी, मतलब पैसा जोड़ के आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और पूरी बात समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में दी जाएगी राशि। खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता आपके रूप में आप लोगों को राशि मिलेगी। आप लोगों को जो ग्रीष्मकालीन अवकाश लगा था उसकी ना ही खाद्यान्न मिला है ना ही उसका पैसा मिला है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी के बच्चों को 202 रुपये और मिडिल के बच्चों को 251 रुपये मिलेंगे, ठीक है। जो भी प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 202 रुपये और जो भी मिडिल के बच्चे हैं उनको 251 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ता हूँ। देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल बंद होने की अवधि में सूखा राशन प्रदान किया गया। वहीं ग्रीष्मकालीन की अवधि में 1 मई से 15 जून तक 39 दिनों का राशन नहीं दिया गया था। 1 मई से 15 जून तक आप लोगों को राशन नहीं दिया गया था, इसलिए सरकार ने सोचा कि आप लोगों का डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से, डायरेक्ट आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र के माध्यम से, जिसको कि DPT बोलते हैं, छात्र या उसके पालक के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। अब ये कितने रुपए आएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रतिदिन का 5.19 रुपये एवं 7.45 रुपये तय, मतलब कि रोज का 5.19 रुपये और 7.45 रुपये तय किया गया। अब कौन से बच्चों को 5.19 रुपये दिया जाएगा रोज के हिसाब से, यहाँ पे 39 दिन की बात हो रही है, 39 दिनों की बात की जा रही है, ठीक है। और कौन से बच्चों को 7.45 रुपये तय की जाएगी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी को 5.19 रुपये प्रति दिवस की रूप से 202 रुपये और मिडिल स्कूल के बच्चों को 7.45 रुपये प्रतिदिन की दर से 39 दिनों का 251 रुपये प्रदान किया जाएगा। जो भी बच्चे प्राथमिक स्कूल में थे, मतलब कक्षा पहली से लेकर पाँचवीं तक के बच्चे थे, उनको 202 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जबकि जो क्लास 6 से लेकर आठवीं तक के बच्चे थे उनके खाते में 291 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों को स्कूल में ये जानकारी दे दी जाएगी कि आप लोगों के खाते में कब तक पैसे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।